हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौरव फ्रॉम डेवर इमिग्रेशन। आज हम आपके सामने एक और नई वीडियो लेके आए हैं जो कि एक ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी के बारे में, फेडरेशन यूनिवर्सिटी के बारे में। हमने जितनी भी वीडियोस पहले बनाई थी कैनेडियन यूनिवर्सिटी के ऊपर बनाई थी, तो हमें बहुत सारी फ़ोन कॉल्स आई थी कि हमने अभी तक ऑस्ट्रेलिया पर कोई वीडियो क्यों नहीं बनाई। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड स्टे ट्यून्ड। तो आइए हम अपनी वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कैंपस के बारे में और इसकी लोकेशंस के बारे में। फेडरेशन यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है वो बेल्टसबर्ग में है, जो कि गोल्ड माइंस के लिए बहुत ही फेमस था, जो कि मेलबर्न के वेस्टर्न सबर्ब में से एक है। तो इसके दो अदर कैंपस भी हैं, जो कि बैरिक है साउथ ईस्ट में और एक गिप्सलैंड है साउथ में। इसका जो एक अदर कैंपस है वो ब्रिस्बेन में है। इसके अलावा फेडरेशन यूनिवर्सिटी का टाई अप एटीएमसी कॉलेज के साथ है और उनके दो अलग से कैंपस हैं जो कि एटीएमसी के नाम से ही हैं। उसका एक कैंपस मेलबर्न सीबीडी में है और दूसरा सिडनी सीबीडी में है। टू स्टार्ट विद, हम इसकी एप्लीकेशन फ़ीस से स्टार्ट करते हैं। इस यूनिवर्सिटी में अगर आप ऑफ़र लेटर अप्लाई करना चाहते हो तो इट्स टोटली फ्री। आपको यूनिवर्सिटी को कोई भी चार्ज नहीं देना होता ऑफ़र लेटर अप्लाई करने के लिए। और इसमें जो इनटेक्स हैं वो मार्च एंड जुलाई हैं, तो साल में दो इनटेक्स होते हैं जब आप इसमें अपनी ऑफ़र लेटर अप्लाई कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं प्रोग्राम्स की, तो इस यूनिवर्सिटी में सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जैसे कि नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। जो मेन प्रोग्राम है यहाँ के वो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है सिविल में, बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन डिफरेंट फील्ड्स, जैसे कि सिस्टम एनालिस्ट हो गया या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गई। उसके अलावा बैचलर ऑफ़ आर्ट्स भी अवेलेबल है और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बैचलर ऑफ़ बिजनेस मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ़ कॉमर्स इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बैचलर्स ऑफ नर्सिंग एंड बैचलर्स ऑफ बायोमेडिकल साइंस भी अवेलेबल है। मास्टर्स स्टूडेंट्स के लिए इसमें आपको MBA, मास्टर्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग एंड मास्टर्स ऑफ टीचिंग, जिसको MEd भी बोल सकते हैं, ये सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि हम इस यूनिवर्सिटी को क्यों रेकमेंड कर रहे हैं। जब हम ऑफशोर से वीज़ा अप्लाई करते हैं, मतलब कि आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं रह रहे, किसी भी दूसरी कंट्रीज में रह रहे हो, तो उसको ऑफशोर वीज़ा बोलते हैं। जब आप ऑफशोर वीज़ा अप्लाई करते हो ऑस्ट्रेलिया का, तो आपको आपकी यूनिवर्सिटी का लेवल हाई होना चाहिए और आपकी कंट्री का लेवल हाई होना चाहिए। जैसे कि आप सभी लोग इंडिया में ये वीडियो देख रहे हो, तो आप इंडिया से वीज़ा अप्लाई करते हो, तो इंडिया का जो इस टाइम असेसमेंट लेवल है वो असेसमेंट लेवल 3 है। सो इट मींस कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया की किसी यूनिवर्सिटी में वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, तो आप किसी असेसमेंट लेवल 3 की यूनिवर्सिटी में वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपका वीज़ा नहीं आएगा। यू हैव टू अप्लाई योर वीज़ा इन असेसमेंट लेवल 1 और लेवल 2 यूनिवर्सिटी। राइट नाउ एट द मोमेंट असेसमेंट लेवल 1 को ही वीज़ाज आ रहे हैं। सो फेडरेशन यूनिवर्सिटी है जो, ये असेसमेंट लेवल 1 में आती है, तो इसका वीज़ा सक्सेस रेट बहुत हाई रहता है, जो कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इसकी ट्यूशन फ़ीस कितनी है, उसके बारे में बात करते हैं। इसकी जो नॉर्मल ट्यूशन फ़ीस है वो 11,500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से लेकर 14,500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक है एक सेमेस्टर की। सो ऑस्ट्रेलिया में अगर आप ऑफ़र लेटर के बाद COE मंगवाना चाहते हो, तो आपको 6 महीने की फ़ीस ही पे करनी होती है, जो कि 1 सेमेस्टर की होती है। तो इसके प्रोग्राम्स की अगर बात करें, तो सभी प्रोग्राम्स में आपको 6 ईच की रिक्वायरमेंट्स होती है, रिगार्डलेस ऑफ मास्टर और बैचलर। अगर आप बैचलर डिग्री में भी जा रहे हो, तो आपको 6 ईच बैंड ही चाहिए, और मास्टर डिग्री में भी आपको 6 ईच बैंड ही चाहिए, और PT की जो रिक्वायरमेंट है वो 50 ईच है। बट जहाँ पे भी एक बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर कोई बच्चा नर्सिंग में जा रहा है, तो उसको 6 ईच में एडमिशन नहीं मिलेगी, उसके लिए उन्होंने अलग से रिक्वायरमेंट रखी हुई है, जो कि 7 ईच है। तो जो एकेडमिक परसेंटेज रिक्वायरमेंट है, अगर आप बैचलर डिग्री में जाना चाहते हो, तो आपके 12th स्टैंडर्ड में 50% नंबर होने चाहिए, जो भी इंडिया के किसी भी CBSE स्कूल, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, हरियाणा स्कूल या किसी भी स्टेट बोर्ड से हो सकते हैं। और अगर आप मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो जो भी आपनी पिछली यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से अपनी बैचलर डिग्री की हुई है, उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ये हो गई IELTS, PT और एकेडमिक्स रिक्वायरमेंट। और अब हम बात करते हैं
जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कि मेलबर्न में कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। मेलबर्न इज़ ए मेट्रो सिटी ऑफ विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। सो मेट्रो सिटी होने के कारण, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ATMC कैंपस में बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं जो कि फेडरेशन यूनिवर्सिटीज़ के डिग्री कर रहे हैं, तो उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। बिकॉज़ जैसे आज कल ये जो सारा फूड डिलीवरी कंपनीज आ चुकी हैं, उसकी वजह से जो भी बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं उनको रेस्टोरेंट्स में तो सीधी जॉब मिल जाती थी पहले, अब वो अगर जॉब्स नहीं भी मिलती तो वो फूड डिलीवरी कंपनी में रजिस्टर करके, जैसे कि ऊबर हो गई, मेन्यूलो हो गई, डोडैश हो गई, ये 4-5 कंपनियों में अपने आप को रजिस्टर करके फूड डिलीवरी का काम कर सकते हैं, जिससे वो अपनी फ़ीस निकाल सकते हैं। इसके अलावा जब वो मेलबर्न में 6 महीने पुराने हो जाते हैं, जहाँ उनका जो विक्टोरियन लाइसेंस है वहाँ पे जब आप जाते हो अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाते हो, तो आपका जब लाइसेंस 6 मंथ्स ओल्ड हो जाता है तो आप किसी भी राइड शेयर कंपनी या राइड शेयर टैक्सी, जैसे कि इंडिया में भी है ओला, वहाँ पे 3-4 कंपनीज हैं जो मेनली हैं, उनमें से ऊबर है, ओला है, DD है, आप किसी भी राइड शेयर कंपनी में या सभी में एक साथ रजिस्टर कर सकते हो और कोई भी अपनी प्राइवेट गाड़ी में ये सारी जॉब्स कर सकते हो, पैसेंजर्स को ड्रॉप करने की या कुछ भी। उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास विक्टोरिया का, जहाँ अगर आप न्यू साउथ वेल्स में रह रहे हो सिडनी में, वहाँ का 6 मंथ्स ओल्ड लाइसेंस चाहिए होता है। तो जब आप 6 महीने वहाँ पे रह लेते हो, उसके बाद ये आप राइड शेयर कंपनीज में भी जॉब कर सकते हो और उसके अलावा आप टैक्सीज भी चला सकते हो। वहाँ की 2 मेन फेमस कंपनीज, टैक्सी कंपनीज 13 कैब्स एंड सिल्वर टॉप्स है, उनकी भी आज की डेट में सेम रिक्वायरमेंट है कि अगर आप टैक्सी में अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हो या टैक्सी का DC बनाना चाहते हो। इसके अलावा अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं, जैसे कि आप किसी भी कोरियर कंपनी में या पोस्ट कंपनीज में काम कर सकते हो डिलीवरीज के लिए या कुछ भी। लड़कियों के लिए भी मेलबर्न में बहुत अच्छी जॉब्स अवेलेबल हैं, जैसे वो एस्ट केयर में, चाइल्ड केयर में या रेस्टोरेंट्स में या एज ए नैनी काम कर सकती हैं। इसके अलावा यहाँ वहाँ पे बहुत सारे फूड कोर्ट्स, रेस्टोरेंट्स, 7-Eleven एंड फ्यूल स्टेशन है, यहाँ पे आप एज फिलिंग और या फिर कैश काउंटर पे काम कर सकते हो। ये सारी बात हो गई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, बिकॉज मैं आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में और नहीं बताना चाहता, बिकॉज इसकी वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि जॉब्स नहीं ख़त्म होंगी। सो नाउ विल टॉक अबाउट द अदर कैंपसेस एज वेल। इसका जो न्यू कैंपस है वो बैरिक में है। बैरिक सबर्ब इज नेक्स्ट टू डैंडीनोंग सबर्ब। डैंडीनोंग सबर्ब एक इंडियन हब बन चुका है आज की डेट में। वहाँ पे इमिग्रेशन का नया ऑफिस भी खुल चुका है और साथ में वहाँ पे एक न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और आने वाले 1-2 सालों में या 3 सालों में वो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से बैरिक का कैंपस बहुत ही फेमस है और ये बड़ा कैंपस भी है। सो कुछ बच्चे अगर सिटीज़ में नहीं जाना चाहते तो वो डैंडीनोंग वाले बैरिक कैंपस में जाके भी एडमिशन ले सकते हैं, जो कि बैरिक कैंपस में एडमिशन लेने का एक और फ़ायदा ये है कि अगर आप वहाँ पे एडमिशन लेते हो तो आप ATMC कॉलेज के थ्रू नहीं जाओगे, आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के थ्रू पढ़ोगे और आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से ही आपकी सारी स्टडीज़ होंगी। इसके अलावा इसका तीसरा जो मेन कैंपस बैलरट में है, जिसको माउंट हेलन कैंपस भी बोलते हैं, वो मेलबर्न के वेस्टर्न सबर्ब्स में लोकेटेड है। इसका जो बैलरट कैंपस है वो मेलबर्न सिटी से 1 घंटे की दूरी पे है। आप वहाँ पे ड्राइव भी कर सकते हो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मेलबर्न का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही अच्छा है। वहाँ पे जाने के लिए आपको बसेस एंड ट्रेन्स मिल जाती हैं और इसके अलावा मेलबर्न एयरपोर्ट से भी ये 1 घंटे की दूरी पर ही है। इस कैंपस की एक खासियत और भी है, बिकॉज ये गोल्ड माइंस हुआ करती थी तो ये टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बना हुआ है। तो ये तो हो गई मेलबर्न कैंपस की बात। इसके अलावा जो भी बच्चे सिडनी में जाना चाहते हैं वो ATMC कैंपस में जा सकते हैं और जो ब्रिस्बेन में जाना चाहते हैं वो यूनिवर्सिटी के सीधे कैंपस में भी जा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आई होप कि आपने ये वीडियो लाइक किया होगा। अगर आप कैनेडा या ऑस्ट्रेलिया के किसी और कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएँ, तो आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नेम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमें दिए गए फ़ोन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और हमें ईमेल्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी चीज़ में SOP रिलेटेड या ऑस्ट्रेलियन या कैनेडियन स्टूडेंट वीज़ा के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें दिए गए नंबर्स या ईमेल्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। विल बी बैक विद न्यू वीडियो। थैंक यू।